क्राइम कवरेज देख रहे हैं आप और बुंदेली दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल महुल झील थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदल कछार गांव में दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे नृशंस हत्याकांड का मामला सामने आया है। परिवार के ही एक युवक ने अपनी पत्नी और माँ सहित 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर डाली। घटना को अंजाम देने के उपरांत आरोपी खुद भी फांसी पर झूल गया। पुलिस के अनुसार महुल झील थाना क्षेत्र के बोधल कछार में दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे एक 26 वर्षीय युवक दिनेश उर्फ भेरू सरेआम, जो कि मकान के अंदर कमरे में सोया हुआ था, उसने कुल्हाड़ी से पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद बाहर सो रहे अपनी 55 वर्षीय माँ, 16 वर्षीय बहन, 35 वर्षीय बड़े भाई और 30 वर्षीय भाभी सहित 2 भतीजी जिनकी उम्र 4 साल और 1.5 साल बताई गई है, साथ ही एक भतीजा जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई, इन सब की नृशंस हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, आरोपी पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने के बाद करीब में रहने वाले अपने बड़े पिताजी यानी ताऊ के घर भी हमला करने पहुंचा, जहां उसने एक 10 साल के लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन बच्चा वहां से भाग निकला। शौच के लिए गई बच्चे की दादी ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर जब गांव वाले जमा हुए तब तक आरोपी वहां से भाग निकला। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और FSL टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब आरोपी की तलाश की तो आरोपी दिनेश भी गांव के ही करीब एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। इस हत्याकांड में पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसके कारण उसने इस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हाल ही में उसकी शादी भी हुई थी। पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या कहा छिंदवाड़ा SP ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। ये घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरयाम लिखता है, ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका 1 4 वर्षीय, 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटे का बेटा है 10 वर्षीय उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। पर वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी वो उस निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे SDOP और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, जो थाना प्रभारी माहौल जीत और उनके द्वारा और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पर की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे नाके जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तत्वों की पुष्टि की जाएगी, प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से PM के लिए बॉडी भेज दी गई है, विधिवत PM जो होकर PM रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। क्योंकि ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः कोई अन्य वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। सर, ये जो बच्चे की हालत कैसी है अभी? तो
वो छिंदवाड़ा में ही है, भर्ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ से रिफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। देखिए ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है, और इसमें ये था कि किस तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी, बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में, और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभावित की है, उसके बाद में माँ और बहन के साथ की, ऐसा दिखता है मतलब दृष्टि। और उस क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया और वहाँ जो क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्हें हल्ला किया, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है, इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित की है। प्राथमिक रूप से यही स्थिति इस पर पुराना पारिवारिक विवाद था या खाली मानसिक होना ही इसका कारण है। देखिए अभी तक कोई इनका पुराना विवाद किसी भी न साक्षी ने न बाकी बच्चे जो ताऊ के घर के परिजन हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं किसी ने नहीं बताया, और पड़ोसियों ने भी कोई ऐसा विवाद 21 तारीख के बाद का भी नहीं बताया कि पत्नी से कोई विवाद हुआ। इस तरह की कोई रिपोर्ट न थाने में अभी है न पूर्व की अभी तक प्रकाश में आई है, कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। तो ये निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो उन्हें सूचना दी थी उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी। तो क्राइम कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी सनसनीखेज वारदात के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।